day, it's a beautiful day, and welcome back to my channel. My name is Akash Malhotra, aka Wonder with Sky, and today is the day. Hum log ja rahe hain towards straight northeast of India, and hum cover karne wale almost 1500 plus kilometers in 3 days. Aaj main hu Gurgaon, Haryana, mein, and we're gonna head all the way to Gangtok, Sikkim. Humne estimate kiya hai 1480 किलोमीटर टोटल होने वाले हैं और ये होने वाली है 3 दिन की बहुत लंबी जर्नी. बट व्हाट आई थॉट वाज कि मैं गया यूट्यूब पे, आई चेक्ड व्लॉग्स टू हेल्प मी डू दिस ट्रिप एंड इज इट इवन पॉसिबल, और मुझे कोई कंटेंट नहीं मिल पाया. तो मैंने व्हाट इज़ बेटर देन क्रिएटिंग समथिंग जो आप सब के लिए कैन एक्ट एज अ गाइड. एंड टुडे विद मी आई एम राइडिंग नो मोर थार बट माई ब्रांड न्यू वॉन्डर विद स्काई ज़ांस कार, एंड विद अस वी हैव द बॉय बैक. What's up? So guys, बहुत crazy trip होने वाला है. I'm excited about it. और अभी मैं जूते पहनूँ. हाँ, पहन ले जूते. और मुझे गाड़ी बंद करने दे. Yes, so that is how our Zan's car looks. And ये रहा बीच में शिवम. But this is the Zan's car. No more Thar. Zan's car की story क्या है? ये रहा link. यहाँ पे जाके you will know why it's called Zan's car. But check this beauty out. It's fully loaded. अंदर फुल सामान लोडेड है इस टाइम पे. वी हैव गॉट द सीट टर्न. इन फैक्ट अगर अभी तक वो व्लॉग लॉन्च हो गया है तो प्लीज़ गो टू दिस लिंक. यहाँ पे आई हैव शोन अ कंप्लीट ब्रेकअप ऑफ दिस थार, की ये ऑफ रोडिंग थार कैसे बनी एंड व्हाट ऑल वी गॉट डन इन दिस. बट अगेन आई वांट टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू माई बॉयज एट बिमरा 4x4 एंड IDE ऑटो वर्क, जिन्होंने मुझे डिज़ाइन और गाड़ी के फुल मॉडिफिकेशन में हेल्प किया. बिग शाउट आउट टू यू गाइज. बट दैट बीइंग सेड, भाई बाय बाय बोलने के लिए रेडी है? ओह या, ओनली बैक गाय एक न्यू वेल. एंड नीनी, हाउ डज इट फील? फ्रेंड आ गए तो भाई को भूल गए. सो गाइस दैट्स नीनी. जो जो अभी तक इनसे मिले नहीं है, ये है नवाब सिंह, सॉरी नवाब मल्होत्रा. और ये असली में भी नाम से भी और काम से दोनों से नवाब है. नवाब, हाउ डज इट फील टू बी ऑन द व्लॉग? भाई जा रहा है, कूल. So that being said, we are all set to hit the roads, and our first stop for today is going to be at Lucknow. So hum yahan se shuru karenge Gurgaon se. We going to take the Delhi Agra highway and then go from Agra to Lucknow straight. Maine suna hai bahut achhi road hai and I'm very excited to explore this, and I hope aap bhi utne excited hai. So let's get hit the roads and have a great time. Now catch up with the cinematics. I love you all. Woohoo! तो गाइस तेल भरवाने का टाइम है और हार्ट अटैक आने का बारी भी. सर फुल टैंक कर देंगे? फुल टैंक. क्या हो रहा है ये तेल के साथ, क्यों हो रहा है, क्या होता है? आप भी परेशान है? मोटरसाइकिल बेच दी अपनी? बेच दिए. गुड, बेचना बनता था मोटरसाइकिल को. तो गाइस इस तेल के हिसाब से हमको जाना है भैया 1500 किलोमीटर यहाँ से गैंगटॉक. तो मतलब लुट गए अच्छे तरीके, लुट गए बहुत बढ़िया. तो भैया ने भी डिक्लेयर कर दिया है कि हम लुट चुके हैं. सो क्या कर सकते हैं, लुटना ज़रूरी है. बट गॉड मैन, लुक एट द फ्यूल कॉस्ट. आई ड्राइव अ पेट्रोल, डीजल इज स्टिल ओके, इट्स 95, बट लुक एट पेट्रोल. सो गाइस दैट्स द फुल टैंक. ऑलमोस्ट 10 लीटर कम था क्योंकि गाड़ी में 15 लीटर ऑलरेडी था, 55 लीटर का टैंक है. बट लुक एट द कॉस्ट. रीफ्यूलिंग नंबर 1. व्हाट्स अप गाइस, फाइनली पहुंच चुके हैं हम डैश कैम में. खेले डैश कैम लाइक ऑलवेज, जैसे हम हर व्लॉग में करते हैं. एंड राइट नाउ जैसे हमें आपको बताया, इट्स मी एंड शिवम और शिवोरिक्स. एंड हम अब पहुंच चुके हैं ऑन द यमुना एक्सप्रेसवे जो कि है दिल्ली आगरा हाईवे पे. एंड यहां से हम फर्स्ट स्टॉप आज लेंगे इन लखनऊ. एंड लखनऊ पहुंचने के लिए हमारे पास अभी है ऑलमोस्ट 470 किलोमीटर्स, और गूगल मैप्स बता रहा है कि हम आज 6 घंटे में पहुँच जाएंगे, विच इज़ अनबिलीवेबल. मतलब अनबिलीवेबल, मतलब 6 घंटे पहुँच सकते हैं. मगर व्हेन आई एम ऑन दिस हाईवे यमुना एक्सप्रेस वे,
ये सड़क इतनी सीधी है कि मैंने थार को डाला हुआ है क्रूज कंट्रोल में पिछले 25 मिनट से और वो 95 पे कॉन्स्टेंटली चली हुई है एंड वी हैवंट इवन टर्न लाइक सेंट है ना बट इन दिस व्लॉग वी आर जस्ट गोना कवर दिस जर्नी वन व्लॉग थ्री डेज 1480 किलोमीटर्स उम्मीद कर रहा हूँ मेरे साथ है ना इट्स गोना बी अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम इट्स गोना बी अ लॉट ऑफ फन तो तुमने शुरू करा है गुड़गांव से निकल के डेली क्रॉस करना टास्क था हमारे लिए मतलब लिटरली ऑलमोस्ट 2 घंटे से ऊपर हो गए अब जाके हम यमुना एक्सप्रेस लाइन पे पहुंचे चलो I'm a traveling spirit I've seen many shores from the west pacific to the island of Kenya they treat me like a son anywhere I go and even though no one can tell I still feel that I'm alone I know how to handle it all on my own on my own Are you buddy hello what's your good name we are following since 30-50 kilometers acha hi we were keep dipping you acha so dude I didn't are yaar I didn't realize ki ho gaya ek second let me just put the car again yaar ye band ha thanks buddy what's your good name umang rishabh tripathi You guys are following me from behind. That's why he told me that you know someone is using the phone. So I'm like, ठीक है कोई बात नहीं. We were keep dipping. We have not rushed right because good. We are following his high. It's good to meet you guys, man. You guys are local यहीं के रहने वाले हो? हाँ, फिलहाल तो यहीं के हैं. फिलहाल तो यहीं के हैं. Mostly. अच्छा नहीं. So boss, finally यहाँ पहुँचते लखनऊ में पहुँचते फाइनली अब टैंक फिर खाली हो चुका है गाड़ी ने अच्छा एवरेज दिया अभी तक गाड़ी ने दिया है कुछ 12 साढ़े 12 का एवरेज बट जैसे मैंने इस ब्लॉग में शुरू किया है आज गेम हम हर स्टेट में जाके पेट्रोल चेक करेंगे क्योंकि हम इतने स्टेट्स क्रॉस करने वाले हैं बट अब हम पहुँच गए हैं लखनऊ और भाई जी यहाँ लखनऊ में क्या रेट चल रहा है तेल का अरे वाह 1 रुपये बचाऊँगा मैं पूरे फुल टैंक What is Lucknow famous for? Because मेरा तो यहाँ पे one night halt है मैं जाऊँगा टुंडे कबाबी अभी सीधा अच्छी spot है टुंडे कबाबी बहुत बढ़िया best है This is what Lucknow is known for टुंडे कबाबी में गुलाटी कबाब जरूर खाना गुलाटी कबाब जरूर खाना मुंह में रखते ही पिघल जाता है हाँ This is what Lucknow is known for yeah तो मैं तो इसलिए मैंने इसको बोला गूगल मैप पे वही डाल टुंडे कबाबी एंड वी आर स्ट्रेट हेडिंग टुवर्ड्स टुंडे कबाबी कौन से आउटलेट जा रहे हो पता नहीं यार मुझे नहीं पता जो गूगल मैप दिखा रहे हैं वैसे कुछ 20-25 मिनट और तो यू आर हेडिंग टुवर्ड्स अलीगंज वी आर आल्सो हेडिंग टुवर्ड्स अलीगंज अरे तुम टुंडे कबाब भी जा रहे हो नहीं टुंडे कबाब नहीं पर हमारा रूम भाई ओह नाइस टू बॉयज नाइस तो मतलब मेरा डिसीजन अच्छा था ना फिर बेहतरीन तो लखनऊ आके जरा आपको लखनऊ तो नहीं घुमा पाया बट टुंडे कबाब भी पक्का खिला दूंगा सो लेट्स नाउ हेड टुवर्ड्स टुंडे कबाब भी जब तक महंगा तेल भरा जा रहा है ऑलराइट सो आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट ऑन द रोड 3 2 1 तो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं टुंडे कबाबी कबाब पाड़ने तो आई कैन सी द बोर्ड ऑफ टुंडे कबाबी एंड आइडिया ये है कि अब आए हैं तो पाड़ के जाएंगे सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट क्विक स्टॉप एंड कल वी विल हिट द रोड अगेन बट फॉर नाउ सम कबाब्स फॉर श्योर एक तो आई डोंट अंडरस्टैंड यहाँ पे किसी ने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ है लाइक इट सो फनी दैट नोबडी इज वेयरिंग अ मास्क हियर मतलब कोई भी नहीं पहन रहा है मास्क मतलब मेरे आसपास देखो नोबडी इज वेयरिंग अ मास्क बॉस टू दैट गाइस अभी हमने खाया गलौटी कबाब एंड ट्रस्ट मी इट वॉज वन हेल ऑफ एन एक्सपीरियंस आई जस्ट वाओ मान अगर आप आ रहे लखनऊ
so definitely try this out. But now it's time ki hum jaye and we go and head to our hotel room for tonight, and tomorrow morning we hit the road again and head straight pagal hai hum log crazy and head straight towards Bihar, Muzaffarpur, and from there we'll head straight to Sikkim. So that's the POA. But all said and done, a beautiful night at Lucknow. I wish I could have done more. Aur kar paata aur bhi maza aata. But for now, let's make it to hotel and I'll see you guys tomorrow in the morning. Good night. What's up guys, it's a great day, it's a beautiful day और finally शुरुआत हो चुकी है हमारी day number 2 की. अभी हम हैं लखनऊ में एंड क्या मूसलाधार बारिश हो रही है, बुरे हाल फटे बादल, मतलब दम 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 चली हुई है बारिश. और अभी हम जा रहे हैं towards मुजफ्फरनगर in बिहार. अब हमारा कुछ बचा है 1011 किलोमीटर्स फ्रॉम लखनऊ टू गैंगटॉक सिक्किम. और आज का रूट हमारा कैसा रहेगा, राठी गोंडे को गोरखपुर जो कि है यहाँ से 250 किलोमीटर के आसपास. एंड आफ्टर गोरखपुर वी विल बी हेडिंग स्ट्रेट टूवर्ड्स मुजफ्फरपुर, जहाँ पे वी होपफुली शुड स्पेंड द नाइट एंड टुमारो मॉर्निंग वी शुड लीव. हम लोग जाएंगे सिलीगुड़ी और वहाँ से जाएंगे गैंगटॉक. गैंगटॉक जाते हैं, साउथ सिक्किम जाते हैं पता नहीं. वेडिंग गैंगटॉक एज द बेस बिकॉज गूगल मैप पे डालने के लिए वी हैव अ कॉन्स्टेंट वन लोकेशन. बट सिक्किम में हम कहाँ से शुरू करेंगे, क्या करेंगे, अभी कोई आइडिया नहीं है. और दैट इज़ हाउ आई लाइक इट, जब कोई आइडिया नहीं होता एंड तुम्हें एक्चुअली एक्सप्लोर करना होता है सबसे ज़्यादा. टुंडे कबाबी एक रेस्टोरेंट है, गूगल में सबसे ज़्यादा रेटिंग उसी का आ रहा था और मेरे को तो ये डिश का नाम भी नहीं पता था. ये जो इसने लाइफ में पहली बार खाया, मैंने लाइफ में पहली बार खाया, लेकिन भाई ने पहले ही वो हाइप अप कर दिया था मेरे लिए. तो भाई वाज ड्राइविंग ऑल द टाइम, तो मैंने थोड़ा सा आरएनडी करा, टुंडे कबाबी टॉप पे आया भाई, एकदम चांदनी चौक टाइप फीलिंग थी रात को, क्या कहते हैं, एकदम गलियों में एब्सोल्युटली गाड़ी, मतलब रात को 10:30 बजे भी जगह नहीं थी गाड़ी लगाने की, जैसे कैसे हमने गाड़ी पार्क करी. तो इट वाज अमेजिंग, मतलब द फूड वाज वेरी गुड आफ्टर ए लॉन्ग ड्राइव ऑफ ऑलमोस्ट 580 किलोमीटर्स. मुगलाई परांठा, बस भाई ने की सीखी कबाब के साथ, कबाब ज्यादा परांठे कम. परांठे कम, मैंने क्या करा, उन्होंने एक्चुअली इतना बड़ा परांठा दिया, ठीक है, अब ऐसे ऐसे परांठे में 1.5 आई वाज डन, मतलब और इतना ज्यादा मैंने वो परांठा खा लिया कि एक दो कबाब मेरे छूट गए. बट ओवरऑल यार एट द एंड मैं खा रहा था खुशी के लिए और अपने भूख के लिए, और वो सेटिस्फेक्शन मेरे को मिल गई. माफी चाहता हूँ आप सब लखनऊ के लोगों से कि लखनऊ में रुक पाए, आपसे मिल नहीं पाया. सॉरी, मैं भी यही कहना चाहूंगा, बहुत 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 माफी सबसे, क्योंकि भाई स्टोरीज डाली लिटरली मेरे को 70-80 मैसेजेस आ चुके हैं जिसमें लोग मेरे को ये बता रहे हैं कि इसके अलावा आपको क्या क्या खाना चाहिए, चाय, समोसा, मिठाई में स्वीट डिशेज बता रहे हैं, बहुत कुछ बताया. और मैं आपको जेन्युइनली कह रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम हम लखनऊ आएंगे जितनी भी डिशेज आपने बताई जब भी हमारी लाइफ में ये सब खा के जाएंगे, ये प्रॉमिस है हमारी साइड से, फूड ब्लॉगर बन जाएंगे अगर वापस इसी रास्ते से आए. हाँ, वापस आए पक्का, फिर ना एक दिन रुक के जाएंगे लखनऊ. लोगों के लिटरली मैसेजेस आए, कहते भाई टुंडे कबाबी के पास मेरा घर था, बता देते आज स्टोरीज आपने लेट डाली. ठीक है, एनीवेज दिस ट्रिप, दिस रोड ट्रिप, ये जो हम बना रहे हैं ना, ये जर्नी यहाँ से वहां तक का, हाँ, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट. आपको बस इतना बता रहे हैं कि क्या क्या, कैसे आप कितने टाइम में पहुंच सकते हो, कितना फ्यूल आपका लग सकता है. और दिस इज मोर अबाउट इन्फॉर्मेशन, दिस इज नॉट अबाउट हाई एंड सिनेमेटिक्स और स्टफ. So just, मतलब this is more informative भाई, क्या कहते हो, जो आपको खूबसूरती दिखानी वो सिक्किम में दिखा देंगे, क्योंकि अभी हम दिखाना चाहते थे वो दिखा नहीं पाए हैं. कोई बात नहीं, थोड़ा सा बी रोल तो हम ले ही लेंगे. हाँ, definitely वो तो हम कर लेंगे. और अभी we are super hungry, so we'll just see something, कोई drive through आता है कहीं खाने को मिलता है तो वही हमारा प्लान है. Let's see. चलो let's focus on the drive. रास्ता लंबा है. Peace out.
What's up guys? So finally हम पहुंच गए गोरखपुर और पेट पूजा हो गई है. एक हमें एक अच्छा ढाबा मिला, इसका नाम है दाना पानी. एग्जैक्टली वैन हम जब गोरखपुर एंटर कर रहे थे ऑन द राइट साइड ही फाउंड इट. एंड अब हम पहुंच चुके हैं, दिस इज द मैप ऑफ इंडिया, द रोड मैप. एंड राइट नाउ वी फाइनली रीच्ड लखनऊ से स्ट्रेट टू गोरखपुर. गोरखपुर इज समवेयर हियर. एंड हमने ट्रिप शुरू करी थी फ्रॉम दिल्ली विच इज़ गुड़गांव एंड वी टुक द यमुना एक्सप्रेस वे एंड केम ऑल द वे टू लखनऊ. उसके बाद आज हम पहुंच गए गोरखपुर एंड टुडे वी गोना ट्राई एंड रीच टिल मुजफ्फरपुर विच इज़ अनदर 300 किलोमीटर्स एंड देन टुमारो वी विल मेक अ ड्राइव फ्रॉम हेयर टिल क्रॉसिंग सिलीगुड़ी स्ट्रेट टू सिक्किम गैंगटॉक. सो दिस इज द रूट मैप एंड द प्लान ऑफ एक्शन. तो चलो लेट्स हिट द रोड एंड कीप गोइंग बिकॉज रास्ता बहुत लंबा है और जाना बहुत दूर है. I'm a traveling spirit, I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Kenya. They treat me like a son anywhere I go, and even though no one can tell, I still feel that I'm alone. I'm alone, I'm alone, I'm alone. Leave me stranded, I know how to handle it all on my own, on my own. Good morning guys, it's a great day, it's a beautiful day. Or day 3 की शुरुआत हो चुकी है. अभी हम हैं मुजफ्फरपुर बिहार में और जांस्कार फुली रेडी हो चुकी है फिर से. कल का दिन थोड़ा टाइट था, थोड़ा लंबा था, तो इसलिए कुछ ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाए. बट आज तो एक्साइटिंग है बिकॉज मौसम ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है. सिक्किम हम पहुंच सकते हैं आज रात तक. ट्रैवल एडवाइजरी आ गई है कि डोंट ट्रैवल राइट नाउ क्योंकि फ्लड वार्निंग्स हैं. बिकॉज आप यहाँ देख सकते हैं कितना गंदा मौसम है. एंड राइट नाउ वी आर इन अ सूप. तो हमारा प्लान अभी ये है कि आज हम पहुँचेंगे सिलीगुड़ी एंड वी गोना स्टे पुट द नाइट एंड सी कल वेदर कैसे खुलता है. अगर नहीं खुलता है देन ये 1500 किलोमीटर बन जाएंगे 2000 किलोमीटर बिकॉज देन मैं, मेरी जांस्कार और शिवम, वी विल हेड स्ट्रेट आउट टू मिजोरम. तो भगवान के हाथ में अब जैसा मौसम होगा साफ से होगा. मगर हम लोग रुकेंगे नहीं. वी रीच टू नाइस स्पॉट जहाँ से हम हमारा कॉन्टेंट स्टार्ट कर सकते हैं. मगर दैट बींग सेड, ये तीसरी बार बोला है मैंने, मैं काउंट कर रहा हूँ समय निकलने का. अगला रास्ता है यहाँ से अब कुछ है 500 किलोमीटर टिल सिक्किम और 350 किलोमीटर टिल सिलीगुड़ी एंड वी गोना कवर इट टुडे डे 3. आई होप अभी तक आपको मज़ा आ रहा होगा. बहुत टाइट ब्लॉग है, मैं भी फर्स्ट टाइम इतना टाइट ब्लॉग बना रहा हूँ, पर लाइफ इज सच, टाइट ब्लॉगिंग करना ज़रूरी है. चलो गाड़ी दिखा देते हैं. श्योरिक्स ऑल सेट? ऑल सेट भाई, ऑल सेट. तो मैंने इनको यही बताया मैंने ब्लॉग में कि अभी 1500 किलोमीटर है, कुछ पता नहीं 2000 किलोमीटर भी हो सकता है. हाँ. तो ये ब्लॉग का नाम 2000 किलोमीटर हो जाएगा फिर. हाँ, पहले 1500-1600 था, अब 2000 होने वाला है क्योंकि सिक्किम में हो रही है मूसलाधार बारिश. आप देख सकते हो बाहर क्या हाल है. और सिक्किम में जो हमारे लोकल फ्रेंड्स हैं उन्होंने बोला कि भाई निकल लो, टाइम रहते मत आओ. ठीक है, तो स्ट्रेस की बात नहीं है, हम लोग बिल्कुल चिल्ड आउट है, हमारा तो रोज का है. मगर कार देख लो क्या बढ़िया लोडेड है. ये नेट, आई एम प्रीटी श्योर ये व्लॉग आएगा आफ्टर जब मैंने जांस्कार का वीडियो डाल दिया होगा उसके बाद. तो आपने पूरी मेरी गाड़ी देख ली होगी. बट सर फुल टैंक कर दीजिए. सो गाइस फाइनली मुजफ्फरपुर पहुंच चुके हैं जैसे मैंने आपको बताया और फुल टैंक कराने का टाइम है. पेट्रोल पेट्रोल सर पेट्रोल भरेंगे और यहाँ का रेट 110 रुपए लीटर. इतना क्यों बढ़ रहा है बताइए ना, आपका तो काम है. हम लोग कैसे बता सकते हैं, बताना तो पड़ेगा ना जी. तो गाइस यहाँ का रेट 110 रुपए. हम चले थे हरियाणा से 103 फिर आया 102. फिर आए यूपी लखनऊ 102 अब बिहार 110. वेस्ट बंगाल में कितना है ना मालूम. अरे रे रे क्या से क्या हो गया सर. डिस्काउंट कूपन लेते हैं? डिस्काउंट कूपन नहीं है यहाँ पे कोई? बस बस बहुत है, बहुत है, बहुत है, हम आगे भरवा लेंगे.
I have learned that no one else can carry this load. It's a train where I'm the only passenger on board. Oh, there is beauty to enjoy on this road. But even so, I still feel that I'm alone. I'm alone. I'm alone. I'm alone. Leave me stranded, I know how to handle it all on my own. I'm alone. I'm alone. I'm alone. Leave me stranded, I know how to handle it all on. तो फाइनली हम एंटर कर चुके हैं वेस्ट बंगाल और अभी तक हमने क्रॉस कर लिए हैं पांच स्टेट्स स्टार्टिंग गुड़गांव हरियाणा लखनऊ उत्तर प्रदेश दिल्ली वी हैव आल्सो क्रॉस्ड बिहार मुजफ्फरनगर और अब हम एंटर कर चुके हैं वेस्ट बंगाल में हेडिंग स्ट्रेट टू सिलीगुड़ी अभी तक हम कर चुके हैं ऑलमोस्ट 1330 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट 1330 किलोमीटर्स और बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है दिस इज डे नंबर 3 और अब हम जा रहे टूवर्ड सिलीगुड़ी जहाँ पे डिक्लेयर हो चुका है इन सिक्किम एडवाइजरी डिक्लेयर हो चुकी है बिकॉज वहाँ पे हो रहे हैं फ्लैश फ्लड्स बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम रेन और सिलीगुड़ी के रास्ते में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं सो वी आर होपफुल दैट वी शुड एटलीस्ट मेक इट टू सिलीगुड़ी एंड उसके बाद वी विल फिगर आउट द प्लान आगे आइडिया पहले तो टेक्निकली वी वर गोइंग टू गैंगटॉक टुडे इटसेल्फ एंड वी वुड हैव मेड इट टू गैंगटॉक बाय 8 टुडे बट अभी बज रहे हैं 4 और रास्ता है बहुत छोटा बचा हुआ 130 किलोमीटर के आसपास जा रहे हैं बारिश ने बुरे हाल कर रखे हैं इस टाइम नॉर्थ ईस्ट इंडिया अगर आप मेरे पीछे देख सकते हैं लिटरली रोड के एकदम साइड में पानी भर चुका है और आई थिंक बाढ़ बढ़ रही है एंड वी नीड टू कवर दिस स्ट्रेच एएसएपी बट यू कैन सी हाउ फास्ट द करंट इज द वाटर इज मूविंग इन फुल स्पीड But this is crazy, man. Road, water. भाई साहब, ये क्या बाढ़ आई है? हाँ, बाढ़ आई है। और ये आगे के रोड पे आ गई है? नहीं, रोड पे नहीं आया है, पूरा रोड खाली। बह रहा है ये? यहाँ पे रास्ते में घर वर तो नहीं है? नहीं नहीं, जा सकते हो। ये सिलीगुड़ी तक रास्ता खुला हुआ है अभी? हाँ, खुला हुआ। चलिए। How does it feel, dude? भाई, it is scary यार। मतलब these guys are super chill है तो पानी में उसके पैर धो रहे हैं बाढ़ में। हाँ और वो मुझे बोल रहा है कि ही इज टेलिंग मी दैट हम लोग सिलीगुड़ी तक जा सकते हैं और ये साथ साथ में बह रहा है मतलब मेरी जिंदगी में इतना चिल होना है कि मैं बाढ़ आई हुई है पैर धोने खड़ा हो जाऊँ साथ में मतलब ऐसा भी नहीं चाहिए भाई यार सुकून है ये तो सुकून के पल वाला मोमेंट हो गया था मतलब उस साइड आप इस साइड देखिए आप ये देखो जो बह रहा है ना ये ज्यादा स्केरी दिख रहा है ये देखो और एक ये घास हमारे साथ साथ बह रहा है So guys, finally पहुंच चुके हैं हम सिलीगुड़ी में and I've just checked into my hotel. Whew. और I've been on it. मैं बस figure out कर रहा हूँ करना क्या है. But update ये है कि guys हमने कर लिया है 1460 किलोमीटर and I'm super duper happy. But this is not it. We can't go to Gangtok. Plan change हो चुका है and we will not be doing 1500 किलोमीटर but now we will be doing 2000 किलोमीटर. तो कल सुबह हम निकलेंगे straight to गुवाहाटी असम और वहाँ से हम जाएंगे शिलोंग एंड देन वील स्टार्ट अ ट्रिप सो मेघालय इज इट इट्स नो मोर गोइंग टू सिक्किम इज गोइंग टू मेघालय इट्स सुपर अमेजिंगली अनोइंग बट करना तो पड़ेगा सो वी गोना गेट ऑन टू इट वी गोना मेक इट हैपन बट अभी समय है सोने का आई एम अल्ट्रा टायर्ड 3 दिन से गाड़ी चला रहा हूँ 1400 किलोमीटर चला चुका हूँ एंड अभी थोड़ी और चलाना बाकी है बट मैं बहुत खुश हूँ तो मैं आपको मिलता हूँ कल सुबह अभी के लिए गुड नाइट
हम लोग निकल चुके हैं सिलीगुड़ी से और ये है हमारा डैश कैम अपडेट जो आज प्रस्तुत करेंगे शिवोरिक्स। तो हाय दोस्तों, व्हाट इज अप। और पिछले कल रात को हम दोनों पहुंचे थे सिलीगुड़ी, और सिलीगुड़ी वैसे तो मतलब सुना बहुत था इस शहर के बारे में, लेकिन जेन्युइनली बहुत बड़ा शहर है। एक लेजिट शहर जैसे हिमाचल वालों के लिए चंडीगढ़ या दिल्ली होता है, वो शायद यहाँ के लोगों के लिए सिलीगुड़ी होना चाहिए। दोस्तों बिलीव मी, आई एम नॉट इवन किडिंग, द रोड्स, द टेरेन, इट चेंज सो ड्रामेटिकली कि अब तो मेरे को ऐसे लग रहा है कि भाई मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम दिस रीजन नाउ। मतलब अभी तो घुसे हैं, मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग लिटल मोर। अभी तो एक छोटा सा झरना दिखा रहे हैं, आई वॉज लाइक कि भाई मेघालय में वाटरफॉल ग्रैंड दिखे, ग्रैंड से ग्रैंड दिखा रहे मेरे को। मतलब ऐसा ना एनवी में भाई पहाड़ों में ले चलो वाटरफॉल्स बहुत देख लिए, बट चलो एनी वेज देखने भाई खुद उस लेवल पे होंगे ना, ग्रैंड का ग्रैंड ही देखने। हम तो ना था छोटा, हम तो ना हिमाचल वाले वाटरफॉल देख के खुश हो जाएंगे। बट अभी वी आर ऑन द रोड टूवर्ड्स गुवाहाटी, और यहाँ से गुवाहाटी है कुछ 480 किलोमीटर, एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड सम 50 और किलोमीटर्स। तो हम एक्चुअली आ चुके हैं हाईवे पे, बट अब आप रोड्स के लुक्स उठाओ एंड व्हाट आई विल डू इज फोकस ऑन ड्राइविंग। ड्राइव तो करनी रहा, क्रूज कंट्रोल जिंदा था। सिलीगुड़ी और गुवाहाटी के बीच में, और हम चेक कर लेते हैं हम कहां पर है। शिवम, सो कहां पहुंचे हम? ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का मैप। सो आई थिंक हम लोग थे यहां पे, हम यहां से निकले हैं गुवाहाटी एरा, सॉरी सिलीगुड़ी एरा। सिलीगुड़ी में थे हम, सिलीगुड़ी से वी हैव कम ऑल द वे, वी हैव क्रॉस द बॉर्डर एंड नाउ वी आर इन गोशगांव, एंड यहां से हम ये वाला रूट लेके स्ट्रेट जाएंगे टिल गुवाहाटी। गुवाहाटी नॉर्थ गुवाहाटी है, दिस इज गुवाहाटी। So we'll go till here and that's our route, and then we have this beautiful northeast. And also I'm excited about this Brahmaputra river, because I've heard a lot about this river. Aap dekh sakte ho Guwahati jo main town hai, it's right on aur bilkul uske bank Brahmaputra ka saath mein, and this is the river we crossed right now, sir. Toh this was kaun sa river hai bhai? Ye bahut huge thi, nahi I guess this is the one. Yeah, this is the one which we crossed, but anyways अभी हम जाएंगे ब्रह्मपुत्र देखेंगे, क्योंकि आप देखो भाई द साइज हमने देखा था वो कितना छोटा है और वहाँ पे कितना बड़ा लग रहा था। एग्जैक्टली, और तो ये तो बताएं कितना बड़ा होगा। मगर डैट बीइंग सेड, उसके बाद हम आज रुकेंगे गुवाहाटी में, एंड नेक्स्ट टुमारो वी गो फ्रॉम टुमारो वी गोना स्टे इन गुवाहाटी एंड देन वी हेड टू शिलोंग एंड वी स्टार्ट कवरिंग मेघालय फर्स्ट, देन वी कवर असम एंड देन वी कवर सिक्किम। सो पूरा प्लान उल्टा सीधा हो गया, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि लाइफ सही है, टेंशन नहीं है। सुबह, सो लेट्स हिट द रोड नाउ। So guys, देखिए ये है यहाँ पे हालत, ट्रक रॉन्ग वे आते हैं। तो अगर आपका थोड़ा भी ध्यान हटा तो 200% दुर्घटना घटा। So guys, finally, सर ये असम का पार्ट है, वेस्ट बंगाल का, ये असम है, ये कौन सी जगह, नाम क्या है इसका? पचुगांव। तो गाइस हम पहुंच गए फाइनली हमारे छठे स्टेट में जो कि असम, और यहाँ क्या तेल का रेट चल रहा है सर? अरे वाह, यहाँ तो सबसे सस्ता है 102.87, ये अभी तक मुझे सबसे सस्ता मिला है 7 स्टेटों में। भरिए सर फुल टैंक डीजल पेट्रोल, डीजल नहीं पेट्रोल। आप पढ़िया हो या पढ़ लिया करो एक बार ना, हमेशा पता रहता है लेकिन पूछ लेते हैं। नहीं नहीं, पूछना तो बेटर है, अच्छा आपने पूछा हमसे। आप सोचते हो कि इतना दूर भरा है, ना ना डीजल में आएगा, ना ना पेट्रोल कौन चलाएगा, ना ना आप तो हम लोग को मेहमान हुए, पूछना भी वैसे भी जरूरी है। अरे अरे अरे, थैंक यू सो मच। चलिए फिर दबा दीजिए, कट लग जाएगा। हाँ बढ़िया, फुल पावर। बाहर के आदमी लोग को हम लोग मेहमान समझते हैं, अपना घर का आदमी समझते हैं। हमें हिमाचल से गाड़ी गुड़गांव की है, पर हमें पहाड़ी
हम हिमाचल से हरियाणा, हम हिमाचल से वैसे। तो गाइस फोर्थ टाइम रिफ्यूलिंग, आगे जाओगे आपका सस्ता मिलेगा, वेस्ट बंगाल में आपका ज्यादा गिरेगा। और मेघालय में, मेघालय में पहले कम देता, अभी थोड़ा सा ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। मेघालय में नहीं तो सस्ता था, सस्ता था पहले मेघालय में। वैसे तो सर मेघालय में 1-2 रुपए सस्ता ही मिलेगा वैसे आपको। अच्छा, तो ये 100 के नीचे होगा मेघालय में आप बोल रहे हैं? अरे मजा आ जाएगा फिर तो, 2-3 बार टैंक भरवाएंगे उधर। तो गाइस तेल भर रहे हैं फॉर द फोर्थ टाइम और अब 20,000 का ऑलमोस्ट तेल हो चुका है, 22,000 का। बट नाउ आई थिंक विद दिस टैंक हम लोग पहुंच जाएंगे स्ट्रेट टू मिजोरम, जो हमारा प्लान है। बट फॉर टुनाइट वी गोना स्टे इन गुवाहाटी एंड वी गोना कीप इट रोलिंग, बट लेट्स हेड टू गुवाहाटी नाउ। बड़े अच्छे मेहमान नवाजी थी इनकी, हमें बहुत पसंद आई। पर अब नेक्स्ट स्टॉप इज गुवाहाटी, लेट्स गेट गोइंग। गो So guys, finally हम लोग पहुंच चुके हैं to the gateway to northeast। इस शहर का नाम है गुवाहाटी और right now I'm staying in this beautiful property called the Nook। And this is a homestay basically, it's a condo on a rooftop, a beautiful, like you can look around me how green it is, right? This is a beautiful property। इसका link मैं नीचे डाल रहा हूँ description में for you to check out if you guys are planning to come to Guwahati। Definitely check this place out, it's beautiful। But that being said, finally हम पहुँच चुके हैं Guwahati में। बहुत ही ज़्यादा लंबे सफ़र के बाद we've done 2,120 kilometers starting from Gurgaon straight to the northeast। It took us 4 days। प्लान चेंज करना पड़ा, थोड़ा सा एक्सट्रीम था, सिक्किम जाने का प्लान था, सिक्किम कैंसिल हुआ। We had to change our plans and reach Guwahati because this is from where we will head straight off to Meghalaya in a day or two। And अगले vlog से हम शुरू करेंगे the exploration vlogs, but this is where it comes to an end। Thank you so much for all the love and support जो आपने मुझे अभी तक दिया है। I hope आपके vlog में मज़ा आया। It was all about the journey, all about the fun that we had in the journey, but ये तो बस शुरुआत है मेरे दोस्त। तो प्यार बनाए रखें and I'll see you in the next vlog। Peace।